अस्सलाम वालेकुम तमाम वालदैन और बच्चों को हैप्पी टाइम स्कूल सिस्टम की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं मिसदा हैप्पी टाइम स्कूल की तरफ से आप सबको 14 अगस्त के मौके पर मुबारकबाद देना चाहूँगी। तो अब इस सिलसिले में जो है वो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से, यानी 1857 से लेके 1947 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में इन शॉर्ट डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे मैं पहले बात करूँगी 1857 से पहले की, यानी 18 सेंचुरी से पहले की। 16 सेंचुरी में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे तजारत करने के लिए, ठीक है, ताजर बन के वो एंटर हुए थे 16 सेंचुरी में। और उसके बाद जो है वो 18 सेंचुरी तक, यानी 200 सालों में उन्होंने जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था और हिंदुस्तान की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अपने हाथ में ले ली थी। यानी 80% कंट्रोल उनके पास था और 20% कंट्रोल जो है वो हिंदुस्तानियों के पास था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर मुश्तरका तौर पर जो है वो एक जंग लड़ी थी जिसे जंग आज़ादी का नाम दिया गया था। अब देखिए ये जंग क्यों लड़ी गई थी, क्योंकि मुसलमानों ने पहले ही 1000 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी तो उन्हें तो गुलामी की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। हिंदुओं पर इसका असर इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि हिंदुओं को पहले से ही जो है वो गुलामी की आदत थी। तो इस गुलामी से निजात हासिल करने के लिए इन दोनों ने मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट जो वॉर लड़ी थी, जो जंग लड़ी थी बेसिकली, उसे जो है वो जंगे आज़ादी का नाम दिया गया है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा मुल्क जो है वो कब मारे से वजूद में आया और कैसे आया। तो हमारा मुल्क जो है वो 14 अगस्त 1947 में मारे से वजूद में आया। इसको वजूद में लाने के लिए हमारे बहुत ही मशहूर लीडर्स मौजूद थे, जिनके अंदर सबसे अहम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार शामिल है, सर सैयद अहमद ख़ान, अलामा इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब हम बात करेंगे 16 सेंचुरी की, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले की। तो 16 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी 216 लोगों ने मिलकर बनाई थी। इस कंपनी को बनाने का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इंडियन ओशन पर तजारत करना, ठीक है। तो वो तजारत जो है वो तकरीबन 200 सालों तक कंटिन्यू रही, यानी 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि इन 200 सालों में अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लिया था। अब ऐसी कौन सी वजूहात रहीं जिसकी वजह से इस जंग को लड़ने का फ़ैसला किया गया, वो आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। अब हम बात करेंगे 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी की कि इस टाइम पीरियड में, यानी इन 200 सालों में और मज़ीद क्या कॉजेज रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन हिस्सा था, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी कि वो पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल था। और अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इकोनॉमिकली जो था वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, यानी काफ़ी हैवी क्वांटिटी में गुड्स एक्सपोर्ट किया करता था। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद जो है वो लोगों जो हिंदुस्तान से तजारत हो रही थी उन पे काफ़ी हैवी टैक्सेस हाइक कर दिए गए। उन टैक्सेस को हाइक करने का पर्पस क्या था? वो ये था कि उससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हो सके, यानी जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था सामान उस पर जो है आप भले टैक्सेस दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, वो तमाम आपके ऊपर कंपल्सरी कर दी थी। जब ये सिलसिला चलता रहा तो इंडिया में क्या हुआ, हालात ख़राब होते चले गए और जो है वो गुर्बत आनी शुरू हो गई। तो गुर्बत जब ज़्यादा आ गई और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई, तो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर ये फैसला किया फौज के साथ कि जो है अब हम अपनी आज़ादी के लिए एक जंग लड़ेंगे, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस को हारने के नाकामी की वजह क्या थी। तो सबसे पहले वजह मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो थी लीडरशिप। लेकिन तब भी जितने लोग वहाँ पर थे वो खुद ही उस जंग को लड़ रहे थे। दूसरा ये था कि जिस तरह के अंग्रेज़ों के पास वेपन्स मौजूद थे, हाई टेक्नोलॉजीज थी, मुसलमानों और हिंदुओं के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, उनके पास स्ट्रेटजीज नहीं थी कि जंग को किस तरीके से लड़ा जाए। तो अंग्रेज़ इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे थे, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया और इस जंग को जीत गए। अब हम बात करेंगे 1857 की जंग के बाद से लेके पाकिस्तान बनने तक जो आज़ादी के लिए तहरीक चलाई गई थी, उसमें जो है काफ़ी हमारे मशहूर लीडर्स शामिल थे, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान, अलामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी शामिल थे या उनकी सर्विसेज थी, ठीक है, उनका अहम किरदार था पाकिस्तान बनने के लिए।
उनमें सबसे पहले लीडर हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली में, ठीक है। उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, उनका मकसद क्या था वो भी मैं आपको इस थोड़ी सी डिटेल में बताती चलूँगी कि उनका मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए क्या रास्ता इख्तियार किया, उनको ऐसा लगता था कि हर मसले का हल जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन थी, यानी मगरबी तालीम थी, कि वो मुसलमानों के लिए चाह रहे थे कि अगर वो तरक्की आगे जाके कर सकेंगे तो वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में एक पंपलेट लिखा था जो कि असबाब बगावत के नाम से था, जिसके अंदर ये बताया उन्होंने अंग्रेज़ों को कि आप देखें मुसलमान आपके कितने वफादार हैं। करेंगे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के, नहीं उर्दू हिंदी तनाज़ो, तो ये मैं बताती चलूँ कि उर्दू जो है वो मुग़ल बादशाह के दौर में डेवलप हुई थी और ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को मिल के बनाई गई थी। तो अब ये है मकसद इसका कि ये पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है वो इसे सरकारी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये सरकारी ज़बान है। तो हिंदुस्तान में क्या हुआ कि इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर होना शुरू हो गया कि ये बनारस में जो संस्कृत है उसको सरकारी ज़बान का नाम दिया जाए। अहमद ख़ान जो है वो इस नतीजे तक पहुँच चुके थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, यानी इकट्ठे नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पहली जो लड़ाई थी वो लैंग्वेज के ऊपर स्टार्ट हो चुकी थी। अब आगे चल के मैं बात करूँगी कि जो है वो हमारे एक और पॉलिटिकल लीडर जो कि हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहलाते हैं, वो हैं ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1876 में पैदा हुए, ठीक है। उनके मतलब क्या मकसद था पाकिस्तान को बनाने में, उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की कि मुसलमानों के लिए वो एक अलहदा वतन हासिल कर सकें। इनके बाद अब मैं तीसरे लीडर के बारे में बताना चाहूँगी जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल, ठीक है। अलामा इकबाल जो हैं वो 1877 में पैदा हुए सियालकोट में, तो ये उन्हें जो है वो शायर मशरक भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू या अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को बेदार किया। किस चीज़ के लिए बेदार किया, उन्होंने जब जो भी हालात चल रहे थे उनको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते और उनके लिए जो है वो एक अलग सेपरेट स्टेट का उन्होंने एक टू नेशन थ्योरी दी। बेसिकली उनका जो पर्पस था टू नेशन थ्योरी का वो ये था कि मुसलमानों को उनके मतलब हुकूक दिए जाएँ, उनके राइट्स दिए जाएँ और जो है वो मतलब आज़ादी से रहने के लिए तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, उनकी लैंग्वेज जो वो आसानी से बोल सकें अपने मुल्क में, ये सहूलतें फ़राहम की जाएँ। वो सारे हालात को देख चुके थे कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो टू नेशन थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं दो अलग अलग कौमें हैं, वो कभी भी इकट्ठे होकर नहीं रह सकते। उस इकट्ठे होकर ना रहने की वजूहात क्या थी, वो ये थी कि मुसलमान और हिंदू जो थे उनकी ज़बान, उनका जो रस्म व रिवाज था, तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये जो बेसिकली दो कौमी नज़रिया था वो उन्हीं का था कि मुसलमान और हिंदू जब एक साथ रह ही नहीं सकते, उनकी तमाम चीज़ों में फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है, तो क्यों ना उनको फिर दोनों को अलग अलग रहने के लिए स्टेट दी जाए ताकि वो उस जगह पर आज़ादी के साथ रह सकें। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस जो है वो क्यों बनी थी, अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी बनाने का मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ों और मुसलमानों में जो जितने भी यानी हिंदुस्तान में लोग रह रहे थे बेसिकली उनमें जो नफ़रतें थीं वो दूर करने के लिए, लेकिन नफ़रतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। और फिर अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया था कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो कि जो है वो हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट कर सके, तो इसीलिए जो है वो उनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया। बताते चलूँ अपने नेक्स्ट इवेंट की जो कि 1905 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। अब मैं ये आपको बताऊं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो हिस्सा था उस जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, और उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब जो ईस्ट बंगाल था वो उसमें तमाम समंदरी इलाके शामिल थे और काफ़ी बड़ी मिल्स मौजूद थी जो कि मुसलमानों के कब्ज़े में आ रही थी। तो अब जैसे ही ईस्ट बंगाल तकसीम किया गया तो
तो कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया। वो रिएक्शन क्या था, वो मुसलमानों के अगेंस्ट था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है वो कोई चीज़ अपने हाथ में ले सकें या कोई हासिल कर सकें, तो और वो नहीं चाह रहे थे कि मुसलमान जो है आज़ादी के साथ रह सकें, तो इसलिए उनका ये रिएक्शन सामने आया। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस की, जैसे कि मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि कांग्रेस जो है वो क्यों बनाई गई थी। कांग्रेस जो है मतलब इसलिए थी कि हिंदुस्तान के लोगों को कोई रिप्रेजेंट करने वाला, कोई रिप्रेजेंट करने वाली कोई कमेटी बने, ठीक है। तो अब इसी तरह जब मुसलमानों ने देखा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपने मफाद के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने भी सोचा कि उनके लिए भी एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। तो उसके लिए जो है वो मुस्लिम लीग क़याम आई, मुस्लिम लीग बनाई गई। बताती चलूँ कि 1906 में मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई थी, और 1911 में जो ये ईस्ट और वेस्ट बंगाल था, इस पार्टीशन का खात्मा हो गया था। इस मुस्लिम लीग को कायम करने का मकसद ये था कि जितनी भी कौमें मौजूद थीं उनके साथ आपस में अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। तो 1913 में जब क़दर मोहम्मद अली जिन्ना जो है रुकन मुकर्रर हुए और उन्होंने ज्वाइन की, तो उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि ये मुसलमान और हिंदुओं के सफ़ीर हैं। आपको बताऊँगी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, यानी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो वर्ल्ड वॉर वन थी, जो कि 1914 में शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ब्रिटिश इस जंग का हिस्सा थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में किसी भी किस्म की अफरा तफरी हो। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान और हिंदू मौजूद थे वो मुत्तहिद होकर रहें, यानी इकट्ठे होकर रहें, यानी किसी भी किस्म की नफरतें लेके ना रहें। इसीलिए जो है वो इसके फौरन बाद जो है वो खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ। 18 में जो है वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, जिस वक्त जो है अली ब्रदर्स जेल में थे, तो इसलिए वो शिरकत नहीं कर सके थे। तो जब वो जेल से आए तो उन्होंने उसमें शिरकत की, और वो जो कॉन्फ्रेंस थी, जो कमेटी बैठी थी, वो मौलाना शौकत अली की सरबराही में हुई, और उन्हें बताया गया कि वो पूरे पाकिस्तान का विज़िट करें और वो मुसलमानों को बताएँ कि अंग्रेज़ जो हैं वो कितने वादा ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने पीछे क्या 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 वादा खिलाफी की। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। तो सबसे पहले हम नेहरू को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मोतीलाल नेहरू जो थे उनका मकसद क्या था। उनका मकसद था आइन बनाना। अब वो आइन बनाना चाहते थे, ठीक है, इस वजह से कि अगर वो आइन नहीं बनाते तो अंग्रेज़ अपने तौर पर आइन बना लेते, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जब वो रिपोर्ट लिख रहे थे तो ख्वाजा आज़म ने उसी दौरान उन्हें अपने कुछ पॉइंट्स बताए कि वो उस रिपोर्ट में शामिल करें, जिसे मोतीलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ख्वाजा आज़म ने अपने 14 निकाल दिए, जिसके अंदर उन्होंने अपने तमाम पॉइंट्स का तस्करा किया। खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने, अलामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया पेश किया। उसके बाद जो है वो 23 मार्च 1940 में लाहौर में एक करारदाद पेश की गई, जो कि करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर के नाम से जानी जाती है, और इसी की याद में लाहौर मिंटो पार्क में मीनार पाकिस्तान कायम किया गया। इससे लेके 1947 तक ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में हिंदुस्तान में काफ़ी जलसे किए गए और एक अलग वतन हासिल करने के लिए कोशिशें करते रहे। बिल आखिर 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान मारे से वजूद में आया। बच्चों, मैं आखिर में आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम करूंगी। सबसे तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा और पाकिस्तान का परचम अमीर उद्दीन कुतुबाई ने बनाया। हमारा सब्ज़ सलाली परचम जो कि सब्ज़ और सफ़ेद रंग का है, तो सब्ज़ रंग जो है वो मुल्क में, क्योंकि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए वो सब्ज़ रंग मुसलमानों की मेजॉरिटी को शो करता है, और सफ़ेद रंग क्योंकि वो कम है तो वो माइनॉरिटीज़ को शो करता है। अब पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है मैंगो। पाकिस्तान का नेशनल वेजिटेबल है भिंडी, लेडी फिंगर। पाकिस्तान का नेशनल गेम है, या आप स्पोर्ट कह लीजिए, वो है हॉकी। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। बताऊं कि ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे और पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे। अब आखिर में मैं इस दुआ के साथ अपने इस इख्तिताम, इस टॉपिक का इख्तिताम करूंगी कि अल्लाह ताला ता क़यामत हमारे मुल्क को शादो आबाद रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।